mentioned it has been disrupted on production system by industry and crisis system process. Design project and your as well as the shop back. As a master, the human team is the next few people and you need to learn how to manufacture that. And to everyone, to build yourself. Thank you, Malaysia. For a reasonable situation there. And thanks, Professor Sam, what is your opportunity? Screen dikh rahi hai meri? Sir, yes sir. ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल पढ़िए और फटाफट सॉल्व कीजिए। ये न्यूमेरिकल सबको दिख रहा है, बड़ा कर देता हूं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को यही सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, बट दोनों क्या था वो उसमें दोनों टेंशन में थे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक लोड जो मिनिमम लोड है कंप्रेशन में है और मैक्सिमम लोड है टेंशन में है। ठीक, और लोड में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है इसको स्ट्रेस में, और आपको दिया हुआ अल्टीमेट यील्ड और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दी हुई है और गुडमैन क्राइटेरिया की हेल्प से आपको निकालना है, सॉल्व करना है। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। सर ट्यूशन हट गया सर। हेलो सर क्वेश्चन हट गया सर। क्वेश्चन हट गया? हाँ सर। अब आ गया? हाँ आ गया सर। नोट कर लो क्वेश्चन को, ऐसे नोट नहीं करना है पूरा, जो मेन मेन पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। वही मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन एक्टिव है। सर क्यों, क्या हो गया? हो गया नोट सबका, हो गया ना? हाँ?
सर क्वेश्चन एक बार वापिस शो करना। ये मेगा पास्कल है, इसको एमपीए मेगा पास्कल। पुष्पेंद्र है? पुष्पेंद्र कपिल पठाड़िया हर्षित राठौर Thank you.
on one end. So people start populating various components to onto it, and finally they fix the four wheels and keep it down. The whole thing, the value chain, was done. हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये सॉल्व करने कर सको। आंसर बताइए। 1.26 1.26 यस सर। 1.368 अरे आप को ये क्या नाम है, विठल हो क्या? विठल सर, दिव्यांग। दिव्यांग आपने सोडरबर्ग इक्वेशन लगाई है, गुडमैन से निकालना है। मैं दिव्यांग को बोल रहा हूँ, दिव्यांग ने गुडमैन सोडरबर्ग क्राइटेरिया लगाया है, उसका आंसर निकाला है। ओके सर, गुडमैन से निकाला है। आपका कितना आया है, क्या नाम है, उमेश रेगर? सर 1.368 1.368 सही हो सकता है। विनोद 1.88 विनोद आपका आंसर गलत है। छबिल सोमानी बेटा कभी तो सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। पहले वाली क्लास सर अटेंड की थी सर, इसलिए। तो आप ऐसे रेगुलर नहीं होगे तो ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा कुछ। मंगल सिंह रावत सर 2.092 आ रहा है, इसे गुडमैन से करेंगे तो, और सोडबर्ग से करेंगे तो 1.26 आ रहा है। आपका सही आ रहा है, सोडबर्ग से तो बिल्कुल सही आ रहा है, और गुडमैन से करेंगे तो 2.092 जी सर। अच्छा मेरे को ये बताओ सिग्मा एम की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा मीन वैल्यू बताओ। मंगल सिंह 84.69 और अल्टरनेटिव वेरिएबल स्ट्रेस, वेरिएबल की आएगी 141.5 और इसमें सर अल्टीमेट रख देंगे केवल 600, केवल वहां चेंज होगा, और उसमें यील्ड रखते तो 420 होगा वार रखने पे, तो वो चेंज हो रहा है। सही लग रहा है आपका। और उमेश रेगर तुम अपना बताओ, मीन स्ट्रेस कितना आ रहा है? सर इसमें सर मीन स्ट्रेस 84.94। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? मीन तो 84.94 आ रहा है ना, उसका कितना आ रहा है? उसका 84.69 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना। और अच्छा ये बताओ स्ट्रेस अल्टरनेटिव कितना आ रहा है? 141.5 सर, 141.5 मेरे भी आ रहा था, 141.42 आ रहा सर, 42 आ रहा है, इतना डिफरेंस। अच्छा माया साहू तुम्हारा कितना आ रहा है? 84.0 बोला है आपको। सिंपली मैं बताऊं बेटा, देखो क्या है, गलती आप क्या कर रहे हो, मैं सिंपल मैं समझ रहा हूँ गलती क्या कर रहे हो। गलती आप लोगों की सिर्फ एक ही है, आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद चार जो भी लेटर्स आ रहे हैं
वो जो भी आ रहे हैं एग्जैक्ट वही लिया करें, एग्जैक्ट वही लिया करें, उसमें कोई फेरबदल ना करें, क्योंकि अपन पाई टर्म यूज कर रहे हैं। पाई में 3.14 पुट करोगे तो ऐसे 3.14 आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो फिर वो ऐसी दिक्कत आएगी ही आएगी। पाई लिखोगे तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बेटा थोड़ा थोड़ी देर रुकिए, पांच मिनट रुकिए, है ना। बेटा 5 मिनट रुकी है ना, कोई आया है, ठीक है। हेलो उमेश, हेलो उमेश, हाँ बोल कितना रहा है? 84.94। हाँ 92 84.94 आएगा ना, 84.9415 आ रहा है। अरे इतने में फर्क तो पड़ गया 94 से और 92 से, तो वो कितना फर्क आ रहा है फिर? लास्ट में आंसर कितना आ रहा है? फिक्टर ऑफ कितना आ रहा है सोडरबर्ग से? सोडरबर्ग से तो निकाले मैंने, सीधे गुडमैन से निकालने थी। तो गुडमैन से कितना आ रहा है फिर? 1.368। 1.368। हाँ हाँ मेरा भी यही आ रहा सेम। फोटो भेजू क्या? हाँ हाँ ये आ रहा है 1.3684। हाँ गुडमैन से ही आ रहा है। गुडमैन से ही आ रहा है वो हाँ शोल्डर, है ना, 1.3684। हाँ और उस शोल्डर बग से आ रहा है 1.26। छोटे बॉक्स से निकालने नहीं है ना, क्वेश्चन मिल दिए तो रखा। अरे सबका ही निकाल दे, गुडमैन जरबर सबका जितना भी हो जितना निकाल दे, क्या चेंज होगा उसमें, सब तो दे रखा है। हाँ हाँ देर का है, निकाल निकाल तो निकाल। मतलब सही है फिर, ये सही है, 1.3684 सही है। हेलो हेलो 3D प्रिंटर, हाँ डिस्कस कर लिया।
क्या आंसर क्या सही है? सर 1.368. 1.368 सही है? हाँ सर. चलिए मैं आपको एक सजेशन अभी दे देता हूँ, आगे भी काम आएगा. मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो भी कैलकुलेटर में दिया हुआ है, पाई टर्म दी हुई है, जिनकी इनफाइनाइट डेसिमल के बाद वैल्यूज रहती हैं, वो वही लें, ठीक है, पाई ही लें, उसको 3.14 ना लें, ठीक है. और आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जैसे मान लीजिए आपने आपने फोर्स फोर्स निकाला है सिग्मा मैक्सिमम से, जैसे मान लीजिए आपने निकाला है मीन फोर्स निकालना है और आपने वेरिएबल फोर्स निकाला है, उसका आपने आपका उसकी जो वैल्यू आई है उसकी डेसिमल के बाद वैल्यू आई है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, तो एग्जैक्ट जो डेसिमल के बाद चार वैल्यूज आपकी जो दिख रही है आपके कैलकुलेटर में, वो वैल्यू आप पुट कर दें, ठीक है, उसको ही लें, ठीक है ना. तो ऐसे कभी भी आपका आंसर बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा, क्योंकि गेट एग्जाम में कभी भी आप देखें आजकल एग्जाम में वहां पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन करता है उसमें आंसर जब आते हैं आपने देखे होंगे रिस्पांस आता है, तो वो रिस्पांस आता है वेरी करता है, उसमें लिखते हैं क्वेश्चन उसमें आंसर लिखते हैं आंसर वेरी फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू. अगर आपका आंसर वहां से लेकर यहाँ तक है, जैसे मान लीजिए 2.3 से लेकर 2.6 तक आपकी वैल्यू वेरी कर रही है, बीच में है उस बीच में, तो तभी आपका आंसर वो सही मानेंगे, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं मानेंगे वो, ठीक है, भले ही आपने वो आपने सही उसको क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, ठीक है ना. अगर आपने ये डेसिमल के बाद वाली मिस्टेक की है और आपका आंसर उन दो उनके बीच में नहीं आया है जो उन्होंने वैल्यू पुट की है, ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. वैसे तो आप लोगों ने कर लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, आसान क्वेश्चन है, कल किया था अपन ने सॉल्व. अपन को दिया है पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम दिया हुआ है कितना 160. ठीक है, और पी मिनिमम दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों है, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे. अगर आप टेंशन को पॉजिटिव ले रहे हो तो कंप्रेशन को नेगेटिव लेंगे, तो ये साइन कन्वेंशन होता है. अगर टेंशन को नेगेटिव ले रहे हो तो कंप्रेशन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, आया समझ में. तो ये यहाँ पे 40 किलो न्यूटन जो यहाँ पे 40 किलो न्यूटन कंप्रेशन मिनिमम वैल्यू क्यों है, इसलिए नहीं है कि ये माइनस 40 किलो न्यूटन है, इसलिए क्योंकि ये 40 किलो न्यूटन है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो अगर आप टेंशन को नेगेटिव लेते हो और कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हो तो भी ये मैक्सिमम वैल्यू के रहेगी और ये मिनिमम वैल्यू रहेगी. माइनस 160 किलो न्यूटन मैक्सिमम और प्लस 40 किलो न्यूटन मिनिमम ही रहेगा, ठीक है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइन कन्वेंशन क्या लेते हो, ठीक है ना, तो ये चीज का ध्यान रखें हमेशा. डायमीटर वैसे जो साइन कन्वेंशन हम लेते हैं वही लें, चेंज ना करें. डायमीटर है 30 mm, ठीक है. तो अपन क्या करें, देखिए गलती कहाँ पे होती है, हम पहले अलग से एरिया निकाल लेते हैं, फिर एरिया क्या आता है, एरिया अलग से आ जाता है, उसको वैल्यू अपन अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं. तो अपन एरिया अलग से ना निकाल के स्ट्रेस के साथ ही उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो अप्रोक्स वैल्यू का झंझट खत्म हो जाता है. तो अपन डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स ही कैलकुलेट कर देते हैं, क्या मीन फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं. तो मीन फोर्स मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ. मीन फोर्स देखिए यहाँ पे अब पी मैक्सिमम प्लस पी मिनिमम डिवाइड बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है,
अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 160 माइनस 40 प्लस माइनस माइनस होता है डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 120 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैं लिखूं FA होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम FA होता है F मैक्सिमम माइनस F मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो F मैक्सिमम है 160 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 40 डिवाइड बाय 2, तो 200 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 100 तो 100 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब ये किलो न्यूटन है तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं करें बाद में ही कर लेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस अब मीन फोर्स मीन और वेरिएबल मीन वेरिएबल फोर्स दोनों आ गए, तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं क्या वेरिएबल मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस निकाल सकता हूं। ठीक, सिग्मा एम इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। उसके लिए स्ट्रेस निकालने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अपन को स्ट्रेस निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया भी होता है, और अपन को अगर बेंडिंग का केस है तो उसमें एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई वाला केस भी होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि भाई क्वेश्चन में एरिया से स्ट्रेस निकालना है कि अपन को एम अपॉन आई और सिग्मा अपॉन वाई वाला केस हो या फिर टॉर्क वाला केस लगाना है, तो उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। द फोर्ज स्टील लिंक विद यूनिफॉर्म डायमीटर 30 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स दैट वेरीज फ्रॉम 40 किलो न्यूटन कंप्रेशन टू 160 किलो न्यूटन टेंशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने जैसा भी पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसमें सबसे मेन जो दिया हुआ है एक्सियल फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है किस पे, एक फोर्ज्ड स्टील लिंक पे। ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म डायमीटर 30 mm है, तो इसका यहाँ पे एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो इसका मैं अपन को स्ट्रेस क्या कैसे स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया से ही कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एम अपॉन ए, एरिया आपका कॉमन है तो एरिया अपन निकालेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्टली लिखें पाई बाय 4 डी स्क्वायर, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है अपन को। तो एफ एम क्या है 60, तो यहाँ पे 60, और अपन को क्या चाहिए, अपन को स्ट्रेस चाहिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, और देखिए डायमीटर तो एमएम में ऑलरेडी है, तो उसको अगर एरिया अगर अपन डायमीटर एमएम में पुट करेंगे तो एमएम एरिया तो एमएम स्क्वायर में ऑलरेडी मिलेगा, अपन को बस फोर्स को ही किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 1000 किया डिवाइड बाय पाई इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करूंगा तो वो 4 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, आपको अप्रोक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर एरिया अलग से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी, तो यही डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये गलती आप वहां ना करें, है ना। तो सिग्मा ए निकालेंगे 100 इंटू 1000, क्यों 1000 क्यों, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय पाई इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, यहां से अपन को मिल जाएगा सिग्मा एम और सिग्मा ए, मैंने कैलकुलेट किया है, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिख रहा हूं, वो आ रही है 84.88 आ रही है यहाँ पे, मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इधर आ रही है 141.88
47 मेगा पास्कल, ठीक ये आ रही है। यहाँ पे केस कैसा है? केस ये है कि एक रॉड है जिसपे लोड लग रहा है, वो लोड कौन सा लग रहा है, 40 किलो न्यूटन कंप्रेशन और 160 किलो न्यूटन टेंशन, और डायमीटर है 30 mm, ठीक है। तो इस केस में अपन अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, गुडमैन क्राइटेरिया। गुडमैन क्राइटेरिया क्या है? सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अपन सारी चीजें निकाल चुके हैं, सिग्मा एम अपने पास से, सिग्मा ए अपने पास से, सिग्मा यू दिया हुआ है, सिग्मा ई दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। आप इक्वेशन में पुट पी कीजिए और आपका आंसर बताइए कितना आ रहा है। अब बताइए आंसर कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है आंसर कैलकुलेट करके। फटाफट बताइए। 1.3684 1.3684 3 6 8, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, पढ़ना, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा। अब क्वेश्चन मैं ही पढ़ रहा हूं, देखिए, अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, इसको सिलिंड्रिकल को मैं स्फेरिकल कर देता हूं, क्यों मैं वो अभी मैं बताऊंगा। स्फेरिकल प्रेशर वेसल विथ 500 इनर डायमीटर इज वेल्डेड फ्रॉम स्टील प्लेट्स। द वेसल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर विच वेरीज फ्रॉम 4 MPa to 8 MPa। मतलब मिनिमम प्रेशर है लग रहा है 4 MPa और मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है 8 MPa। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है यहाँ पे 3.5 और साइज फैक्टर दिया हुआ है 1.1। यहाँ पे साइज फैक्टर नाम की कोई चीज दी हुई है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास दो केसेस होते हैं, एक तो होता है, एक हमारे पास होता है आपका सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, हाँ
और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल, ठीक है। सिलेंड्रिकल में दो टाइप के, अपने पास दो ये प्रेशर वेसल दो में दो तरह के स्ट्रेसेस वेरी होते हैं अपने पास। एक तो हुप स्ट्रेस होता है, एक तो हुप स्ट्रेस होता है और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल के केस में हुप स्ट्रेस होता है पीडी अपॉन, क्या होता है बताइए, पीडी अपॉन टूटी की 40, टूटी टूटी सर, टूटी। और इस लॉन्गिट्यूडनल होता है पीडी अपॉन 40, 40। वेरी गुड। और स्फेरिकल के केस में होता है हुप स्ट्रेस होता है पीडी अपॉन, पीडी अपॉन 40। ये भी होता है, दोनों दोनों हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल दोनों बराबर होते हैं, वो है पीडी अपॉन 40, पीडी अपॉन 40 और पीडी अपॉन 40। जी सर, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्फेरिकल क्यों बना दिया, पहले सिलेंड्रिकल था, स्फेरिकल क्यों बना दिया, इसमें रीजन यही देखिए समझ में आ रहा है। पहले तो मैं आपको सिलेंड्रिकल के बारे में बता दूं। अब इसमें आप ये बताइए, हुप स्ट्रेस ज्यादा दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज्यादा है? हुप क्यों, इससे देखिए समझ में आ रहा है। देखो पी तो सेम है, डी भी सेम है, टी भी सेम है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हुप स्ट्रेस ज्यादा हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। तो अगर आप स्ट्रेंथ के साथ से कंपेयर करोगे भाई, इसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, इसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, इसकी वैल्यू कम आने वाली है, तो स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करोगे तो हुप स्ट्रेस को कंपेयर किया जाएगा, किसको, हुप स्ट्रेस कंपेयर को कंपेयर किया जाएगा सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का बात की जाएगी तो, मतलब पीडी अपॉन 2टी के साथ कंपेयर किया जाएगा। जब स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात की जाएगी, स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात की जाएगी तो फिर चाहे आप हुप स्ट्रेस के साथ कंपेयर करो, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के साथ कंपेयर करो, दोनों केस में आपको स्ट्रेस आपको सेम मिलने वाली। अपन क्या करते हैं, हम डिजाइन में यही करते हैं कि हमारे जो मटेरियल में जहां पे भी मैक्सिमम स्ट्रेस मिलती है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ, मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ ही क्या करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ होना चाहिए, होना चाहिए स्ट्रेंथ। जी सर, आपकी स्ट्रेस होनी चाहिए स्ट्रेंथ के से, स्ट्रेंथ से छोटी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। अब हुप स्ट्रेस बड़ी है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में लॉन्गिट्यूडनल से, तो ये स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगी। तो सिलेंड्रिकल के केस में क्या कंपेयर क्या करेंगे, पीडी अपॉन 2टी, पीडी अपॉन 2टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ, तो फिर वो कोई भी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। और इस केस में आप स्फेरिकल के केस में क्या करेंगे, स्फेरिकल के केस में आपका होना चाहिए पीडी अपॉन 40, पीडी अपॉन 40 शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है ना। अब अपने पास अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अब तो क्वेश्चन तो स्फेरिकल हो गया, तो अपन को ध्यान कहां देना है, इधर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इनर डायमीटर दिया, मतलब डी दिया हुआ है, ठीक है, वेल्डेड फ्रॉम स्टील प्लेट्स, ठीक है, ये तो मतलब अपन को स्ट्रेंथ उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि अपन को मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी है। अब ये दिया हुआ है कि विच वेरी फ्रॉम 4, मतलब क्या इंटरनल प्रेशर वेरीज फ्रॉम 4 मेगा पास्कल टू 8 मेगा पास्कल, मतलब मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है,
मतलब पी मिनिमम और पी मैक्सिमम दिया हुआ है। पी मिनिमम के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, मिनिमम स्ट्रेस मिलेगा, और पी मैक्सिमम के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा। तो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम अपन को मिल गया। अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है प्लेट का। भाई P दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फोर तो खुद का मतलब कांस्टेंट ही है, तो अपन को T निकालना है वेरिएबल, वो बस हो जाएगा सॉल्व, और कैलकुलेट द थिकनेस। फिर वो आप कोई भी थ्योरी लगा लीजिए। अब मान लिया मैंने क्या थ्योरी लगाई, मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है, मैंने सोडरबर्ग लगाया, मैंने मान लिया पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अपन को ध्यान में रखना है, मटेरियल को ध्यान में रख के थ्योरी लगानी चाहिए। मटेरियल अगर आपका डक्टाइल है तो थ्योरी आप सोडरबर्ग लगाएं, मटेरियल आपका ब्रिटल है तो आप फिर वो गुडमैन लगाएं, या फिर आप गड़बड़ लगाएं, कोई भी आप थ्योरी लगा सकते हैं उसमें फिर, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी थ्योरी अभी लगा दीजिए। इसमें अपन ने मैंने अभी जो लगाई है इसमें गुडमैन थ्योरी लगाई है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, सबने कर दिया, नोट कर दिया हो तो मिटाऊं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हां सर, हो गया सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने मैंने मान लिया गुडमैन लगाना है, तो गुडमैन का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ओ एस। अब इसमें इस फॉर्मूले में पहले तो देखो क्या क्या गिवन है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, सिग्मा यू गिवन है, सिग्मा ई गिवन है कि नहीं? ठीक है, सिग्मा यू दिया हुआ है कितना, 440, सिग्मा ई गिवन है 145, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 3.5। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एम और सिग्मा ए। सिग्मा एम होता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, और सिग्मा ए होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब ये पता करने के लिए सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम पता होना चाहिए, तो चलो निकालते हैं सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। तो सिग्मा मैक्सिमम पहले निकालता हूं मैं, तो टी के टर्म्स में यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम ना निकाल के डायरेक्टली मैं सिग्मा एम और सिग्मा ए निकाल देता हूँ। तो सिग्मा एम होता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा मैक्सिमम अगर निकालूंगा तो 8 मेगा पास कर लूंगा, तो यहाँ पे स्फेरिकल प्रेशर वेसल है तो फॉर्मूला क्या लूंगा, पी डी अपॉन 40। ठीक है, पी क्या है, 8 मेगा पास कर, पी मैक्सिमम इंटू डी डिवाइड बाय 40। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम होगा तो 8 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 500 हाँ, इसमें आप यूनिट का जरूर ध्यान रखना क्योंकि पी देखिए पी क्या है, मेगा पास्कल में, और अपन को फाइनली स्ट्रेस किसमें चाहिए, मेगा पास्कल में है ना, पी किसमें, मेगा पास्कल में, और डी किसमें, एमएम में, तो टी भी एमएम में होना चाहिए है ना। तो टी अपना आंसर किसमें निकलेगा, एमएम में निकलेगा, पी मेगा पास्कल में, एमएम अपन ने एमएम में लिया है, 500 अपन ने एमएम में लिया है, अपॉन 4 इनटू टी। ठीक है, प्लस मिनिमम सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मिनिमम के केस में 4 इनटू 500 डिवाइड बाय 4 इनटू टी। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन निकल सकता है 8, इसको 500 अपॉन 40 को कॉमन निकाल लेते हैं,
तो जो कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाल लेते हैं फटाफट, इसको फाइनल आंसर निकाल। 8 + 4 बचेगा और क्या, 12, 12 × 500/40 हो जाएगा। ये सिग्मा एम हो जाएगा और सिग्मा ए होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 8 − 4 = 4, तो 4 × 500, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा और कुछ थोड़ी होगा सर, डिवाइड बाय 4 × t, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो सिंपलीफाई 4 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो सिग्मा एम और सिग्मा ए की वैल्यू टी के फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 × 500/ सिग्मा यू है 4 × 440 × t। हेलो सर, हाँ से सिग्मा मीन निकला उसमें अपॉन 2 लिए ही नहीं सर। अपॉन 2 मतलब, हाँ अपॉन 2 लेना था, सिग्मा मीन था सिग्मा मैक्स, ये अपॉन 2 ले लिया, लो बस इनटू 2 इधर हो जाएगा इनटू 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 लेना था। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे मैंने 4 × t × 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो इधर 250 लिख लूं 500 की जगह पे, 250, ठीक है। अब सही लिखा है, 2 से 250 यहाँ पे, 3 × 250 डिवाइड बाय 440 किसकी जगह पे, अल्टीमेट की जगह पे 440 × t, ठीक है। प्लस सिग्मा ए हो गया आपका 250, यार आपको नौकरी दे रहा है चले जाओ, डिवाइड बाय ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आएगी यहाँ से, अच्छा साइज फैक्टर भी इंक्लूड करना है ना, साइज फैक्टर के साइज, ठीक है। तो यहाँ पे 1.1, ठीक है, तो आप लोग निकाल दीजिएगा, अभी मैं, मेरी दूसरी क्लास भी है ना। 13.2 सर, 13.2 mm, चलो ठीक है 13.2 mm, वेरीफाई कर लीजिएगा है ना, ठीक जी सर, चलो ठीक है, चलो वेरीफाई कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था सर,